हम लोगों का भी दिमाग खराब है, हमेशा हम इधर तो ढूंढते रहते हैं जबकि हमें पता है कि पटना साहब ऊपर से आएंगे। इसका बनता भी है बाजी, बॉलीवुड में सबसे ऊपर तो ऊपर से एंट्री बनती हो जाता है। अमित सर, धनुष, अक्षरा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। आप यहाँ पे उपस्थित सोफा मंडल पे विराजमान हो जाइए। आज अमित सर हैं, थोड़ी हिंदी से इंप्रेस करें। जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि जी जी प्लीज काफी इम्प्रूवमेंट है। मैं आज सर को जब देखता हूँ ना, सब कुछ भूल गया हूँ। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि माएं करोड़ों लाखों बच्चों को जन्म देती हैं, पर विरली ही कोई माँ होती है जो किसी युग पुरुष को जन्म देती है। और ना मृत्युते ना जन्मते ना भगवते ना मनुष्यते, बच्चन साहब जैसा चमत्कार ना भूतो ना भविष्यते। अरे क्या बात है। और सबसे पहले तो मैं आप सबके बिहाफ पे बच्चन साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारी भारत सरकार ने बच्चन साहब को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धनुष, मेरा पहला सवाल आपसे है। मैं आपको सबको बता दूं कि धनुष फिल्मों में बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं, लेकिन थोड़ा समझने में काफी है। ओके, सो आई कैन स्पीक इन इंग्लिश मैन। ओके, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड माई इंग्लिश। ओके, धनुष जो है वो काफी स्लिम ट्रिम है, और बच्चन साहब की आवाज जो है वो धनुष के लिए डब की गई है फिल्म में। तो धनुष, आप इतने स्लिम ट्रिम है, यू वेरी यू नो स्लिम ट्रिम, आपको कभी ऐसा फील नहीं होता कि इतनी भारी आवाज के नीचे कहीं मैं दब ना जाऊं? वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल की हिंदी आती नहीं है, इसलिए मैंने लॉजिकल बोला। If I've understood your question right, then I had that fear too. अगर मैंने आपके सवाल को समझ लिया है तो मुझे ऐसा होता है। जी, तो इनको वो भी समझा दीजिए जो मैंने पूछा सर। He has spoken in English. That because of his very heavy and powerful voice, do you ever get submerged? सर बाजी ठीक कर रहा मैं। आपने वही समझाना जो मैंने बोला। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अक्षरा को खास तौर पे बधाई देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट अक्षरा। ये बधाई देना चाहते हैं। सॉरी, he wants to congratulate you. मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूँ इनको। ये इसलिए he wants to congratulate her because thank you पाजी, very good. Because it's Akshara's debut movie. आप पहली फिल्म में बच्चन साहब के साथ काम कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? Very honored. बहुत इनको बड़ा गर्व हो रहा है। जी गर्व हो रही नहीं हो रहा है सर, सॉरी। जस्ट बिकॉज यू आर स्त्री यू डोंट हैव टू ऐड स्त्रीलिंग टू एवरीथिंग। मैं आप सबको बता दूं कि फिल्म जो है बड़े अलग तरीके से शूट हुई है। फिल्म के डायरेक्टर जो है मिस्टर आर बाल्की साहब, वो भी यहां पे मौजूद हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये फिल्म अलग तरीके से इसलिए शूट हुई है बिकॉज पहले बच्चन साहब ने अपनी आवाज जो है वो डब की, उसके बाद धनुष ने उस आवाज के ऊपर उसको सिंक्रोनाइज करते हुए एक्टिंग की। तो धनुष, आपको प्रॉब्लम नहीं हुई कि बच्चन साहब की आवाज को मैच करने में एक्टिंग, बिकॉज उन्होंने तो पहले डब कर दिया? आपको कोई समस्या तो नहीं हुई? मुश्किल हिंदी बोल रहे हैं। You didn't have any problem matching the voice? It was a very challenging task, yes. बड़ा कष्ट हुआ? जी। एक बहुत बड़ी चुनौती थी इनके लिए। As you all already know, आप लोग सब जानते होंगे। जी जी। But he's got such a majestic voice. इनकी आवाज इतनी majestic है। आज पहली बार देखा है बच्चन साहब खुद अपनी तारीफ कर रहे हैं।
And like you said, I'm thin and slim. So to carry this kind of a voice, majestic voice on your tiny shoulders is... So, इनके जो कमजोर कंधे हैं इनके ऊपर उनके ऊपर ये एक भारी आवाज उठाना इनके लिए बहुत कठिन कार्य था. You know why I asked you this question? Because whenever we listen Bachchan sir's voice, सही यहाँ तक ठीक था? हाँ जी बिल्कुल फर्स्ट. बाकी हिंदी में आ जाऊँगा. हाँ जी आ जाओ. जब भी हम कभी बच्चन साहब का डायलॉग सुनते हैं, किसी भी फिल्म का डायलॉग लें, अगर सपोज डायलॉग चल रहा है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते, तो आम आदमी की ना बॉडी लैंग्वेज, चाहे जैसे मर्जी खड़ा हो वैसे खड़ा हो, अपने आप ऐसे होने लगता है आम आदमी. कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चन साहब का डायलॉग सुन के और आपका ऐसे ऐसे कभी हाथ निकल गया हो? Did it ever happen that your hand left your body and went like this? While you were hearing the voice. Fortunately, it didn't. भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ. इसका इसका स्पष्ट अर्थ ये कि ये बहुत मंजे हुए एक्टर हैं, इनके लिए जोरदार तालियां. अमित सर, ऐसा ही ये सवाल आपसे है कि जब आपके इनके लिए डब कर रहे थे तो आप इनको पहले से जानते हैं, आपने कोशिश की कि नहीं मैं लड़के के हिसाब से थोड़ी आवाज पतली करूं, कि आपने ये सोचा कि मैंने अपना काम कर दिया, आप अपना अपना देख लो? ये पूरी पिक्चर मैंने दरअसल एक कमरे में बैठ करके डब की. बाल्की ने मुझे बताया कि ये पूरी स्क्रिप्ट जो है हमने इसको डब किया. डब करने के बाद हम सेट पे गए और सेट पे जा करके जो डब किया हुआ था, जो आवाज़ डब की हुई थी, उसके मुताबिक हमने एक्टिंग की. और फिर जब एक्टिंग हो गई और फिल्म बन गई, तो इसके बाद फिर हम लोग डबिंग थिएटर में आए और जिस तरह से इनके फेशियल एक्सप्रेशंस थे उसके हिसाब से मैंने तिवारा डब की. तो बाल्की साहब, और तो नहीं करवानी डबिंग बच्चन साहब से? और एक 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 बार और करवानी है. बाल्की साहब, एक बात बताइए, आप हमेशा ही अलग थॉट के साथ आते हैं. आपने चीनी कम में बच्चन साहब को तब्बू जी के साथ उनका प्रेम संबंध दिखाया और बच्चन साहब की एक पोनी टेल भी बनाई. ये कहाँ से आइडियाज आते हैं आपको कि मैं चीनी कम में बच्चन साहब का कम छोटी उम्र की लड़की के साथ प्यार दिखाऊंगा? ऑब्वियसली उन्होंने काफी एंजॉय किया होगा, लेकिन आपके दिमाग में आइडिया क्या है? I knew he'll enjoy it, that's why. मतलब आप बच्चन साहब के फैन हैं, आई नो, बिकॉज आपने तीनों फिल्में बच्चन साहब के साथ की हैं. Yeah. अच्छी बात है, हम जिनके फैन होते हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए. थैंक यू सर, थैंक यू. मैं आप सबको बता दूं कि अक्षरा जो है इनकी डेब्यू फिल्म है. पहले ये अपनी डेब्यू फिल्म जो है वो अपने पापा कमल हसन साहब के साथ करना चाहती थी, लेकिन इन्होंने 10-15 साल वेट किया, फिर इन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, मेरे पापा तो सारे रोल खुद ही कर लेते हैं. मैंने कई बार देखा कमल सर की फिल्मों में सारे कैरेक्टर तो कर रहे हैं, बीच में से जो पीछे लोग निकलते कभी कभी वो भी खुद कर देते कमल सर. ऑल इन वन. एनीवेज, अच्छा हमने फिल्म में देखा है आप एक सीन में बच्चन साहब को डांट भी रही हैं. जी, पहली फिल्म में इतने सीनियर एक्टर को डांटते हुए, हाउ डेयर आई मतलब कि आप कंफर्टेबल थी उस समय बच्चन साहब को डांटते हुए? नहीं. कैसे डांटा था आपने, थोड़ा सा डांट के दिखाएंगे जरा अभी? सो मैं डांट सकती हूं? हां बिल्कुल. मैं यहां खड़ा हो जाता. अरे अब यहां खड़ी हो जाइए. ये पहला बंदा होगा जो डांटने से पहले परमिशन ले रहा है. जी बटरफ्लाइज इन स्टमक. आपके पेट में तितलियां घूम रही हैं. अरे नहीं, अंग्रेजी में हिंदी क्यों कर रहा हूँ? आपको बोलना चाहिए जी. अरे सर, ये क्या है सर, वहां पे जाके बात करें जब आपको चिल्लाने वाली हूँ सर, ये क्या है सर? अच्छा जी, तो रियल हो गया. प्लीज बैठ जाइए. बहुत अच्छा डांटा आपने, वेरी नाइस. अच्छा बच्चन साहब को एक जमाने में सर आपको एक एंग्री यंग मैन का खिताब दे दिया था लोगों ने, हालांकि जितना हम बच्चन साहब को जानते हैं ये बहुत ही पोलाइट हैं, बहुत ही स्वीट तरीके से बात करते हैं, हमने कभी नहीं डांटते हुए सुना.
एक आध बार मैंने देखा है सर किसी को डांट भी रहे थे दिल से, एक बार ऐसे किसी को डांगा कि महानुभाव आप बहुत मूर्ख हैं।